नमस्कार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन जो हमने स्टार्ट किया था उसको समाप्त करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन न्यूमेरिकल जो हमारे बचे हुए थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ताकि पिछले जो तीन चार लेक्चर हुए हैं उनसे जो आपने चीज़ें सीखी हैं वो हम यहाँ पर आज अप्लाई भी करेंगे और इन क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि यदि V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R है, जहां ओमेगा तथा R क्रमशः नियत कोणीय वेग तथा स्थिति सदिश है, तो सिद्ध कीजिए कि डेल डॉट V इज इक्वल टू जीरो तथा ओमेगा इज इक्वल टू हाफ डेल क्रॉस V। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो दिया हुआ क्या है आपको कि ओमेगा और R, ओमेगा क्या है, नियत कोणीय वेग है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन वो कैसी है, कॉन्स्टेंट है, और R आपका स्थिति सदिश है। तो देखिए R को तुम कैसे लिखते हैं, एक्स आई वाई जे और जेड के, और ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स आई ओमेगा वाई जे ओमेगा जेड के। लेकिन याद रखिएगा ओमेगा क्या है, नियत है, नियत है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जब आप x के सापेक्ष या y के सापेक्ष या z के सापेक्ष डिफरेंशियल करोगे तो वो जीरो ही आएगा, उसका मान, उसका कुछ ऐसा मान नहीं आएगा डेल ओमेगा x अपॉन डेल x या डेल ओमेगा वाई अपॉन डेल वाई, वो सब जीरो रहने वाले हैं, ये ध्यान रखना। तो हम एक एक करके कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखो सबसे पहला तो क्या है, डेल डॉट v, इसको हमें सॉल्व करना है। तो डेल डॉट v को आपको सॉल्व करना है तो मैं क्या लिखूंगा, डेल डॉट v मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओमेगा क्रॉस r। अब या तो क्या तरीका हो, ये सब लग करके आप सॉल्व कीजिए और मान निकालिए। दूसरा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक वेक्टर आइडेंटिटी याद करवाई थी, अगर आपको याद हो तो, और मैंने कहा भी था बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। ये मैंने आपको वेक्टर आइडेंटिटी क्या करवाई थी, याद करवाई थी, प्रूफ आप लोगों ने करके देख लिया होगा संभवतः। तो इसका हम यूज करते, देखो ये डेल डॉट ए क्रॉस बी, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा B डॉट डेल क्रॉस A, तो ये मेरा A है ये मेरा B है, तो ये हो गया R डॉट डेल क्रॉस ओमेगा माइनस ओमेगा डॉट डेल क्रॉस R। अब आपको पता है ओमेगा क्या है, नियत कोणीय वेग है, तो नियत राशि का आप डेल डॉट या डेल क्रॉस लोगे, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली डेल में क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो उसका क्या आ जाएगा मान, इसका मान वैसे ही जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि ओमेगा क्या है, नियत है। और फिर आप निकालोगे डेल क्रॉस आर, डेल क्रॉस आर होता क्या, डेल क्रॉस आर को हम कहते हैं कर्ल आर। और आपने जब हमने डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल इक्वेशन की प्रैक्टिस की थी तो वहां पर आपने देखा था कर्ल आर का मान क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये भी मान क्या हो गया, जीरो हो गया। आपको इसको करके दिखाना, इसका तो आप सीधा लिख सकते हो, देखो इसका आप क्या लिखोगे सीधा, चूंकि ओमेगा नियत कोणीय वेग है इसलिए डेल क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इसको आप सीधा लिखो तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखो तो आप सीधा एक लाइन में देखो इसे निकाल सकते हो, डेल क्रॉस आर क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ये हो गया एक्स वाई और जेड। अब आप देखिए आई का करोगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई जीरो, डेल वाई अपॉन डेल जेड जीरो, फिर इस प्रकार से ये देखोगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स जीरो, डेल एक्स अपॉन डेल जेड जीरो, उसी प्रकार से ये भी आप देखोगे तो सब जीरो आएगा। तो ये इस तरह से दोनों जीरो आते हैं, तो बिल्कुल आसानी से हो गया। अभी अगर मान लीजिए आप इसको पूरा ओमेगा लिखते, आर लिखते और ओमेगा क्रॉस आर निकालते, फिर उसका डेल डॉट करते, तो बड़ा जटिल सा मामला हो जाता, ठीक है ना, बहुत ऐसा काफी टीडियस सी प्रोसेस हो जाती। लेकिन जब आपको वेक्टर आइडेंटिटी पता है, और मैंने आपको पहले बता भी दिया था ये नाम आने वाली चीजें हैं, तो इनको आप अलग से नोट करके बार बार मेमोराइज कीजिए, ठीक है। तो ये सीधी अप्लाई की तो हमारे दो लाइन में इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरे पार्ट को भी कर लेते हैं। चलिए तो दूसरे पार्ट को देखते हैं, देखो दूसरा पार्ट हमें क्या कह रहा है कि ओमेगा जो है वो हाफ डेल क्रॉस वी के बराबर होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इस डेल क्रॉस वी को ही फाइंड करता हूं, और डेल क्रॉस वी मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस वी। तो सबसे पहले मुझे वी लिखना है, एक बार देख इसको आप, तो वी क्या है मेरा, ओमेगा क्रॉस आर। तो यहां मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, ओमेगा क्रॉस आर निकालूंगा, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई जे के, ये तो होगा नहीं, यहां पर हो जाएगा ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड एक्स वाई और जेड। तो देखिए आई कैप ये हो गया आपका ओमेगा वाई जेड माइनस ओमेगा जेड वाई,
फिर प्लस जे कैप ओमेगा जेड एक्स माइनस ओमेगा एक्स जेड, ठीक है, ये देखिए ओमेगा जेड एक्स माइनस ओमेगा एक्स जेड, फिर प्लस के कैप ये हो गया आपका ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा वाई एक्स। तो ये किसका माना गया, ओमेगा क्रॉस आर का। अब उसका आपको वापस क्या करना है, डेल क्रॉस करना है। तो ये लीजिए डेल क्रॉस आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। अब इन सभी के मान लिख दीजिए आप, देखो तो ये पहला तो हो गया ओमेगा वाई जेड माइनस ओमेगा जेड वाई, दूसरा हो गया आपका ओमेगा जेड एक्स माइनस ओमेगा जेड ओमेगा एक्स जेड, और लास्ट वाला आपका हो गया ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा वाई एक्स, ठीक है। अब सिंपल ही है, बस आई घटक ले लीजिए, आई घटक क्या हो जाएगा, आई घटक हो जाएगा आपका डेल बाई डेल एक्स, सॉरी आई घटक को आप कैसे लिखोगे, ये ऐसे, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा वाई एक्स, फिर माइनस डेल बाई डेल जेड ओमेगा जेड एक्स माइनस ओमेगा एक्स जेड। अब एक बार मैं आई कंपोनेंट ले लिया इस तरह से, उसी प्रकार से जे कंपोनेंट भी लिखेंगे, उसी प्रकार से के कंपोनेंट भी लिखेंगे। तो मैं यहां पर सिंपली पहले क्या ले लेता हूं, जो आपका डेल क्रॉस वी है उसका एक्स कंपोनेंट लिख देता हूं। एक्स कंपोनेंट का मतलब आई कैप तो हट गया एक तरह से। इस एक्स कंपोनेंट को हम सोल्व करके देखते हैं, फिर जो मान मिलेगा वो एज इट इज आप वाई कंपोनेंट के लिए और वो एज इट इज आप जेड कंपोनेंट के लिए काम में ले सकते हो। बहुत आसान है, तो देखिए आप, मैं इसको यहां कर देता हूं सॉल्व। डेल क्रॉस वी का मैंने क्या लेना है, एक्स कंपोनेंट लेना है। तो देखो इसको जब आप करोगे तो ओमेगा एक्स एज इट इज डेल वाई अपॉन डेल वाई वन, तो ये लीजिए ओमेगा एक्स एज इट इज, फिर वाई एज इट इज ओमेगा एक्स अपॉन डेल वाई। लेकिन मैंने आपको पहले कह दिया ओमेगा क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो उसका आप डिफरेंशियल जीरो ही होगा, तो केवल एक पद आएगा। फिर माइनस ओमेगा वाई एज इट इज डेल एक्स अपॉन डेल वाई, तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई तो वैसे ही जीरो होगा। पार्शियल डेरिवेटिव आपको पता है, एक्स वाई के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो एक्स और जेड को कांस्टेंट मानते हैं, तो ये इस पद का पूरा डिफरेंशियल जीरो होगा, तो इसको लिखना ही नहीं आपको। फिर इसको देखिए, इसमें मैं क्या करूंगा, जेड के सापेक्ष करना है, तो यहां एक्स है तो वो तो वैसे ही क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ओमेगा जेड का तो करना ही नहीं है, तो ओमेगा जेड एज इट इज डेल एक्स अपॉन डेल जेड वो जीरो हो जाएगा। फिर अगला देखिए, माइनस माइनस प्लस ओमेगा एक्स एज इट इज डेल जेड अपॉन डेल जेड वो होगा वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया ओमेगा एक्स, तो इसका मान क्या आ गया, टू ओमेगा एक्स। अब ठीक एनालॉजी आप जब वाई और जेड कंपोनेंट के लिए भी निकालोगे तो यहां पर आएगा ओमेगा वाई प्लस ओमेगा वाई और ओमेगा जेड प्लस ओमेगा जेड। तो आप निकाल के देख लीजिएगा, जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसा ही लिखिए। इसी प्रकार डेल क्रॉस वी का वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा टू ओमेगा वाई और ये हो जाएगा आपका जेड कंपोनेंट टू ओमेगा जेड, हो गया। तो तीनों निकल गए, अब हम मान रख देते, देखो तो फाइनली डेल क्रॉस वी क्या होगा, डेल क्रॉस वी हो जाएगा आई कैप टू ओमेगा एक्स प्लस जे कैप टू ओमेगा वाई प्लस के कैप टू ओमेगा जेड। तो ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जे जेड के कैप, ये टू तो कॉमन आके इधर चला जाएगा, तो ये फाइनली क्या बच गया, वेक्टर ओमेगा और ये हो गया हाफ डेल क्रॉस वी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत आसान है, क्वेश्चन पूछा जाता है, अभ्यास कीजिए, आराम से आपसे हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था जो कर लिया था। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल बच रहा है इस सेशन का, ठीक है ना, उसको भी हम कर लेते हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिए, मैं उसको बता देता हूं आपको। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, यदि ए व बी दो अघूर्णी सदिश क्षेत्र है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी परिनाली के सदिश क्षेत्र होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, आपको दो वेक्टर फील्ड दे रखे हैं, कौन कौन से, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और क्वेश्चन कह रहा है दोनों ही क्या है, अघूर्णी सदिश। अघूर्णी सदिश का मतलब हो गया इररोटेशनल वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो आपको ये कह रहा है कि अगर ये दिया हुआ है तो जो ए क्रॉस बी होगा वो क्या होना चाहिए, परिनाली के सदिश होना चाहिए, यानी सोलेनोइडल वेक्टर होना चाहिए। तो यहां पर हमें दो प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। जब हमने डाइवर्जेंस पढ़ा था तब हमने कहा था कि कोई भी सदिश क्षेत्र
परिनाली के सदिश क्षेत्र होगा कब, जब उसका डायवर्जेंस जीरो हो। और दूसरा, जब हमने कर्ल पढ़ा था तब हमने कहा था कि कोई भी सदिश क्षेत्र अगुणनीय है तो इसका मतलब है उसका कर्ल क्या है, जीरो है। तो देखो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो डेल डॉट ए अगर जीरो है तो ए आपका क्या होता है, परिनाली के सदिश, और उसी प्रकार से डेल क्रॉस ए अगर जीरो है तो ए आपका कैसा होता है, अगुणनीय सदिश क्षेत्र होता है। तो आपको दिया क्या गया है उसको आप नोट कीजिए। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, गिवन क्या है, दिया गया क्या दिया गया है, ए और बी दो अगुणनीय सदिश क्षेत्र है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो एंड डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, यह आपको दिया गया है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी परिनाली के सदिश है। तो कोई भी सदिश परिनाली के, तो उसका डॉट क्या कर दीजिए, यानी उसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, ये आपको प्रूफ करना है। तो ए आप, ये आपको दिया हुआ है और ये आपको प्रूफ करना है। अब यहां पर आप ए का मान ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप और बी का मान बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप रख करके करने का प्रयास करोगे तो काफी जटिल हो जाएगा। आपको वेक्टर आइडेंटिटी जो मैंने सिखाई है उसका यूज करना है। कौन सी वाली, ये मैंने सिखाई थी आपको कि डेल डॉट ए क्रॉस बी जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। तो ये डेल डॉट ए क्रॉस बी को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। फिर डेल क्रॉस ए, चूंकि क्वेश्चन में दिया गया डेल क्रॉस ए क्या है, जीरो है, उसी प्रकार से डेल क्रॉस बी क्या दिया गया है, जीरो दिया गया है। तो अपना आप क्या हो गया, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये अपना आप क्या आ गया, जीरो आ गया। और अगर ये जीरो आ गया, किसी भी वेक्टर का डॉट डेल डॉट अगर जीरो है तो वो वेक्टर या वो सदिश क्षेत्र कैसा होगा, परिनाली के सदिश क्षेत्र होगा। तो ये बहुत आसान है जिसको मैंने प्रूफ कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो नंबर का जो छोटा क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें ये कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, डाइवर्जेंस का भी छुपा हुआ है, कर्ल का भी छुपा हुआ है। थ्योरेटिकली अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप इसको पूरा लिख करके सॉल्व करने लग जाओगे तो आप फंस जाओगे, बहुत मुश्किल से हो तो जाएगा लेकिन पता नहीं एक पेज दो पेज कितने भरेंगे, जबकि है कितने, दो लाइन तीन लाइन का है। कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें काम करना है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। तो अब लगभग जितने न्यूमेरिकल हम कर सकते थे वो हमने कर लिए, बाकी आप अपने आप से अभ्यास करते रहिए, ठीक है ना। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक तो हमारा गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम और एक स्टोक्स का कर्ल थ्योरम, ये दो बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जब हमने हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था तो वहां पर हमने इस यूनिट में क्या क्या करने वाले उसको पूरा लिस्ट आउट किया था, तो उस लिस्ट को अगर आप चेक कीजिएगा तो लगभग सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। वो दो जो थ्योरम्स हैं उनको भी हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। थैंक यू।